प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर वन, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। क्या आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अजीनोमोटो मिला होता है। अगर इसका सेवन आप गर्भावस्था के दौरान करते हैं तो शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और शिशु के विकास में ये प्रॉब्लम्स भी बन सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको बाहर का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट यानी कि अजीनोमोटो मिला होता है। अजीनोमोटो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में मिला होता है। बहुत सारे लोग अजीनोमोटो घर पर लाकर भी इसका सेवन करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें अजीनोमोटो मिला हो। नंबर टू, कैफीन। गर्भावस्था शुरू होने के बाद एक महिला को कैफीन वाली चीज़ें अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए। कैफीन वाली चीज़ें अपनी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो इससे शिशु के विकास में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी है इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं। अब जानते हैं किन किन चीज़ों में कैफीन मिला होता है। नंबर वन, चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना। नंबर थ्री, अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही अगर आपके आसपास कोई अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। नंबर फोर, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना। अगर ऐसा भोजन आप गर्भावस्था के दौरान लेते हैं तो इससे आपको पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं, साथ ही आपको हेल्थ से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसी के साथ बच्चे के शारीरिक विकास में भी ये सारी चीज़ें बाधा बन सकती हैं। नंबर फाइव, केमिकल वाली चीज़ें, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या जो आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं या एडिड शुगर जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। खास तौर पे गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अपनी डाइट में शुगर की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और इसका असर सीधा सीधा शिशु पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर वाली चीज़ें कम लें ताकि शिशु तक इसका नुकसान ना पहुंचे। ये जितनी ही चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बाहर से मिलती हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको गर्भावस्था के दौरान लेनी नहीं चाहिए। इनमें किसी में भी पोषक तत्व नहीं होते हैं और ये शिशु के विकास में बाधा बनते हैं। इसी के साथ प्रेगनेंसी का पहला महीना है तो यहीं से आपको जानना है कि आपको बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं होना, अपने मूड पर और अपने बर्ताव पर ध्यान देना है। एक महिला गर्भावस्था में जैसा महसूस करती है और जैसा वो रहती है उसका सारा असर बच्चे पे होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पर होता है। अगर एक महिला बहुत शांत है तो बच्चा भी बहुत शांत होगा। एक महिला बहुत अधिक गुस्सा करती है तो शिशु भी बहुत अधिक गुस्सा करेगा। महिला बहुत डरती है तो शिशु भी ऐसा होगा जो बहुत डरने वाला होगा। तो महिला का सारा स्वभाव बच्चे के अंदर आता है। तो गर्भावस्था के दौरान अपने स्वभाव पर बहुत अधिक ध्यान दें, साथ ही हेल्दी भोजन लें, अच्छी अच्छी बातें सोचें और खुश रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा ताकि औरों की भी मदद हो सके। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।